बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। टोटल आपके जो चैप्टर्स हैं 11 हैं। हम देखते हैं कि हर चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन सा न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो आपको बेल आइकन मिले उसे प्रेस करें ताकि हम जो ही कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक खुद ब खुद पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग बन सकता है और कौन से न्यूमेरिकल्स पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, आपकी स्कीम कोई भी हो मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट आपको लॉन्ग बता देता हूँ, साथ न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ। तो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकती हैं। चैप्टर नंबर 1 में एक ही क्वेश्चन है जो लॉन्ग में आ सकता है, वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, यही बन सकता है। ठीक है, ये आ सकता है। पहली बात तो ये है चैप्टर 1 से लॉन्ग आते ही नहीं, ज़्यादा चांसेस न्यूमेरिकल की होती हैं। जब भी स्कीम बने अगर चैप्टर नंबर 1 आए वो न्यूमेरिकल ही देता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में आपने चले जाना है। एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है, 1.2, उसके बाद 1.8 और 1.10, ये तीन न्यूमेरिकल आपने काट देने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर टू में थ्योरी के लिहाज से देखें तो दो क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिनके 90% चांस है वो पेपर में आएंगे, उनमें से कोई ना कोई एक आ जाता है। पहला तो ये है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, 100% चांस होता है कि ये पेपर में आएगा। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल भी आपने करना है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी एग्जांपल नंबर 2.2। अच्छा भाई, उसके बाद है स्केलर प्रोडक्ट्स, उसके बाद है साथ वेक्टर, इन दोनों की डेफिनेशंस और साथ इनकी करेक्टरिस्टिक्स आपने कर देनी है। ये भी दो दोनों इम्पोर्टेंट हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर और वेक्टर, ठीक है, और वेक्टर। एक ये साथ न्यूमेरिकल है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2.5 ये एग्जांपल है। तो करेक्टरिस्टिक्स दोनों इम्पोर्टेंट है, तो कोई एक आप कर लेंगे दूसरी इजीली आप याद कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा जो पेपर में आती है वो वेक्टर प्रोडक्ट पूछता है, ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन फिर मैं दोबारा कहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, दूसरे नंबर पे है क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट भी आप कह सकती हैं, तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे ये स्केलर भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। उसके बाद टॉर्क भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, लेकिन फिर मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। एक्सरसाइज में आप चले जाएं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है 2.3 और 2.7, 2.7। तीसरे नंबर पे है मोस्ट इम्पोर्टेंट में 2.15, ये तीन एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट में आता है 2.14 और 2.17। एक पे मैंने कुछ पे लिखा है इम्पोर्टेंट, कुछ पे लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने लाजमी करना है जिन पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें तीन क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि ये बहुत दफ़ा आ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, साथ इसके कुछ डेफिनेशन अटैच करेगा, जैसा कि मोमेंटम की डेफिनेशन दे सकते हैं या फिर इस तरह भी दे सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इन द टर्म ऑफ मोमेंटम, ये यानी स्टेटमेंट ये लिख के आपने सीधा फिर आगे ये स्टार्ट कर देना है। इसमें फिगर लाजमी बनानी है, एक नंबर फिगर की, ये बहुत दफ़ा आ चुका है। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलास्टिक इक्विलिब्रियम इन वन डिमेंशन, ठीक है,
यहाँ से ये ऊपर से कोई डेफिनेशन एक अटैच करेगा, कुलियन की कर सकते हैं, या फिर ये कुलियन कह रहा हूँ, इलास्टिक की डेफिनेशन कर सकते हैं, या इन इलास्टिक, इन दोनों में से किसी एक की डेफिनेशन अटैच करेगा, साथ कहेगा ये इस पे नोड लिखें, फिगर्स आपने लाजमी बनानी है, तो ये यहाँ तक आपने लिख देना, ठीक है, यहाँ तक ये मैथमेटिकली। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, तो दूसरे नंबर पे लॉ ऑफ मोमेंटम वाला, ठीक है, पीछे जो है इसका ये न्यूमेरिकल भी आपने करना है, 3.5 एग्जाम्पल। उसके बाद यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, बल्कि बना हुआ है, पेपर में आया हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन के साथ वो अटैच करेगा, या तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, या फिर टाइम, या फिर रेंज। ज़्यादा वो पेपर में हाइट और रेंज को अटैच करते हैं डेफिनेशन के साथ, दो दो नंबर इनके होते हैं एक डेफिनेशन का। तो इस चैप्टर के तीन क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैंने बता दिए हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुलियन वाला, ठीक है, ये पीछे जो किया इलास्टिक कुलियन वाला। अच्छा भाई, न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो एक्सरसाइज में आप चले जाएं तो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, ये तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3.6, 3.8, 3.10, नीचे है एक 3.10, उसके बाद ये भी आप निकाल लेना, 3.7 आ सकता है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, 3.12, तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए हैं एक्सरसाइज के, दो इम्पोर्टेंट, तो एक दो एग्जांपल भी बताइए। चैप्टर नंबर 4 में हर क्वेश्चन तकरीबन आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनके 90% चांसेस होते हैं कि ये पेपर में आएंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं, जैसा कि एक ये भी बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड वाला, ठीक है, वो इसी तरह दे सकते हैं ना, स्टेटमेंट देगा, कहेगा ये एक प्रूफ करें, वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, ठीक है, या नीचे से कोई दे सकते हैं। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको दो ही बताऊँगा, जिनके ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में, वो ये दोनों हैं, एक है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है, एक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। 100% चांसेस होते हैं कि इस चैप्टर में से अगर लॉन्ग दे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी देगा, या दूसरे नंबर पे वर्क डन। इसके बाद ये भी पेपर में आ चुका है, स्कैप वेलोसिटी क्या है, ठीक है, ये मैथमेटिकली आपने प्रूव करना है, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दो ये पीछे वाले। उसके बाद वैसे मैंने इस चैप्टर के चार बताए हैं जो आपको करने चाहिए। अब बात करें न्यूमेरिकल्स की, एक्सरसाइज में है पहला न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल नंबर 4.4 और 4.7 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सातवां, चौथा और सातवां, आठवां भी आप निकाल लेना, ठीक है, आठवां भी आप निकाल लेना। एग्जाम्पल तो नहीं बताइए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक दफ़ा देखिए, एग्जाम्पल तो नहीं बताइए। एग्जाम्पल इसकी कोई नहीं बताइए। चलें तो एक्सरसाइज में फिर दोबारा रिपीट करने लगा, चैप्टर नंबर 4 में अगर एक्सरसाइज में आप चले जाएं तो पहला न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये तो लाजमी आपने करना है 4.4, यानी चौथा और सातवां, उसके बाद आठवां भी आ सकता है। चैप्टर नंबर 5 में भी 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो आपके लॉन्ग बनते हैं, जिनमें से तीन आपको लाजमी आने चाहिए, वो कौन से तीन हैं चलिए आए हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा जिसके चांसेस होते हैं सेंटीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, साथ ये कहेगा ये प्रूफ करें एक्सेलरेशन
एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, या नीचे ये दे सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू एम आर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बल्कि मैं कहता हूँ कि 90% यही चांस है कि ये पेपर में आएगा। उसके बाद यहाँ से ये देता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करें, ठीक है। इसी के साथ वो अटैच करेगा कि मैथमेटिकली ये आपने प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड अ हुप, ठीक है। पीछे से वो टॉपिक अटैच करेगा, टॉपिक साथ ही अटैच कर देगा। दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे है मोस्ट इम्पोर्टेंट में आर्टिफिशियल ग्रेविटी पूछ सकते हैं, ठीक है। तीन ये मैंने बता दी हैं। चौथे नंबर पे ये भी पेपर में आ चुका है, अगर आप पेपर उठा के देखें, रियल अपेरेंट वेट, ठीक है, इस पे नो लिखें। पांचवें नंबर पे पॉसिबल है कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स भी दे सकते हैं, लेकिन तीन आपको लाजमी आने चाहिए। दोबारा मैं कहूँगा, एक है ग्रेविटी वाला, ऊपर वाला, ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी, उसके बाद रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटीपेटर फोर्स। ये हर स्टूडेंट को आना चाहिए, सेंटीपेटर फोर्स वाला। न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक छठा है 5.6, 5.9 और 5.10, ये तीन हर हाल में आने चाहिए। सातवां, छठा, नौवां और दसवां। उसके बाद इम्पोर्टेंट में है सातवां और दूसरा, ठीक है। पांच न्यूमेरिकल्स आपको बताए हैं एक्सरसाइज में, उनमें से भी ज़्यादा बता दिए हैं कि इम्पोर्टेंट कौन से हैं। एक छठा है, एक नौवां है, एक दसवां। चैप्टर नंबर सिक्स में अगर आएँ, थ्योरी में अगर आए, तो एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बर्नौलीज एक्वेशन, ठीक है। बर्नौलीज एक्वेशन 100% चांस है यहाँ से आए, तो थ्योरी में यही आता है, ठीक है। इस पे आप नोट लिखें। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, एक्सरसाइज में चले जाएं तो दूसरा न्यूमेरिकल बहुत दफ़ा आ चुका है। उसके बाद पांचवा न्यूमेरिकल और आखिरी जो है 6.9, ये तीन न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। सातवें यूनिट में दो लॉन्ग मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, दोनों बहुत दफ़ा पेपर में आ चुके हैं। एक है सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम पूछेगा, साथ ये मैथमेटिकली आपने प्रूव करना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी का स्क्वायर रूट, ठीक है, डेफिनेशन के साथ। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल करना एग्जांपल है 7.1। ये सिंपल पेंडुलम के सबसे ज़्यादा चांसेस है पेपर में आने के, एक ये इसके एग्जांपल भी बहुत दफ़ा आ चुकी है न्यूमेरिकल इसका 7.2। अच्छा जी, एक लोग ये बताया, दूसरा इसी के साथ है एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM। ये इस तरह पूछेगा कि क्या SHM के अंदर जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी जो होती है कांस्टेंट रहती है। आपने यहाँ तक ये मैथमेटिकली फिगर्स के साथ आपने प्रूव करना है। इसके साथ वो डेफिनेशन देगा, डिफाइन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, एक नंबर उसके, फिर चार नंबर इसके होंगे, लेकिन एक नंबर फिगर का होगा, तीन नंबर मैथमेटिकली, यानी आपने प्रूव करना है। इस चैप्टर के दो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो एग्जाम्पल एक बताइए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सादा पेंडुलम जो है सिंपल पेंडुलम वाली, तो साथ एक पीछे बताइए, वो भी आपने कर देनी। अच्छा, एक्सरसाइज में आए तो ये 7.1 मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। उसके साथ इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में ये दो न्यूमेरिकल है, एक सिंपल पेंडुलम वाला। सिंपल पेंडुलम वाले दोनों न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल है उसकी, एक ये है।
मैं कहता हूँ कि 90% चांस होती हैं कि थ्योरी में दे तो सिंपल पेंडुलम देता है, अगर न्यूमेरिकल भी दे तो सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल या ये देता है। उसके बाद ये 7.4, ये भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं, ये दोनों बहुत दफ़ा आ चुके हैं, साथ ये भी पीछे वाला आपने करना 7.1। ये तीन न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए एक्सरसाइज के। उसके बाद अगर कोई करना चाहता है तो लास्ट वाला कर ले 7.8, लेकिन मैं कहूँगा कि ये तीन जो हैं ये हर हाल में आने चाहिए। आठवां जो यूनिट है इसमें दो क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये कैसे पेपर में देगा, ये पहले पूछेगा, ये इस तरह देगा कि न्यूटन का जो फार्मूला था उसमें क्या मिस्टेक्स थी एक वो बताएं, साथ फिर कहेगा लप्लास करेक्शन पे नोट लिखें। ठीक है, ये आप पूरा रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा, जब क्वेश्चन बनेगा तो उसकी समझ आ जाएगी किस तरह वो पूछेगा। ये समझ लेंगे कि मेन जो आपका क्वेश्चन है वो लप्लास करेक्शन है, चार नंबर इसके होंगे, एक साथ वो पूछेगा कि न्यूटन फार्मूले में क्या मिस्टेक है वो साथ आप बता दें। ठीक है, एक नंबर उसका होगा, चार इसके होंगे। साथ ये आपने लाजमी करनी है, ये एग्जाम्पल है 8.1। एक क्वेश्चन ये बताया, उसके बाद दूसरे नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो है ये लास्ट पे आपको, आप चले जाएं तो आपको मिलेगा डॉपलर इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन अगर इसके जो चार केसेस हैं उन पे नोट, चाहे तो वो कोई दो के दो भी पूछ सकते हैं, चाहे तो मुकम्मल, ज़्यादा पेपर में वैसे मुकम्मल ही देता है। डॉपलर इफेक्ट क्या है, इसके आगे केसेस एक्सप्लेन करें या नोट लिखें, दो ये हैं। ठीक है, इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट यही हैं, इन्हीं दो में से आता है। और एक दफ़ा ये भी आ चुका है, ये बोर्ड में अगर देखें, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन पूछेगा, साथ ये मैथमेटिकली पूछ सकते हैं। ये तीन समझ लेंगे आपने करने चाहिए आपको, लेकिन दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बल्कि सबसे ज़्यादा वो पीछे है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब बात करें न्यूमेरिकल्स की, एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल है 8.3 है, उसके बाद ये भी पेपर में आ चुका है 8.5, इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट है 8.10, 8.10। अच्छा, यूनिट नंबर 9 में मोस्ट इम्पोर्टेंट दो ही क्वेश्चन है, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है लेकिन वो मैथमेटिकली ज़्यादा पूछते हैं, मैथमेटिकली आपने फिगर के साथ अगर लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माइकल सांस इंटरफेरोमीटर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पेपर में आते ये है, माइकल सांस इंटरफेरोमीटर पर नोट लिखें। दूसरे नंबर पे बताया है डबल यंग्स डबल स्लिट, एक दफ़ा वैसे ये भी आया होगा पेपर में। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज, ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, चलें अगर करना चाहते हैं कर लें। अच्छा, इसकी ये एग्जाम्पल साथ करें न्यूमेरिकल। ठीक है, एग्जाम्पल में भी पार्ट नंबर टू ही वैसे वो पूछते हैं। अच्छा भाई, दो आपको सबसे ज़्यादा माइकल सन्स वाला, ठीक है, माइकल सन्स पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल आए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दो ही हैं, 9.3 है और 9.6, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साथ ये दो ये भी पेपर में आ चुके हैं, 9.8 और 9.9, लेकिन दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर अगर 10 की बात करें तो इसमें काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, 5-6 बनते हैं, लेकिन तीन आपको हर हाल में आने चाहिए। अच्छा, अगर बात करें ना, सबसे ज़्यादा चांस होता है कि वो कोई माइक्रोस्कोप पूछेगा, सिंपल पूछ सकता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड पूछ सकता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, या फिर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेकिन मैं ये कहता हूँ आपको तीनों आने चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दूसरे नंबर पे स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है, डेफिनेशन के साथ इसकी, टाइप
टाइप्स पूछेगा। लेकिन मैं फिर दोबारा कहूँगा कि माइक्रोस्कोप जो है, सिंपल, कंपाउंड, एस्ट्रोनॉमिकल, ये तीनों आनी चाहिए। ज़्यादा चांसेस होते हैं कोई इन तीनों में से कोई दे देता है। स्पेक्ट्रम भी वैसे ये पेपर में आया हुआ है। अच्छा, इस दफ़ा एक बोर्ड्स में ये भी मैंने देखा है, फाइबर ऑप्टिकल प्रिंसिपल्स, ये भी आया हुआ है। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन ये आ चुका है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर वो करना चाहते ये काट ले। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट तीन आपके लोग बनती हैं इस चैप्टर में, स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, इसकी टाइप्स, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये तीन आपको लाजमी आने चाहिए। अब बात करें न्यूमेरिकल्स की, आप एक्सरसाइज में चले जाएं, तो ये आपको दो न्यूमेरिकल मिलेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 8.9 और 8.10, 8.9 और 8.10। उसके बाद कोई और अगर करना चाहते हैं कोई, तो ये भी कर सकते हैं, 10.3। लेकिन ये दो आपको लास्ट में आने चाहिए। लास्ट यूनिट है, इसमें भी तकरीबन 5 से 6 लोग बनते हैं, जिनमें से तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा ये पेपर में आ चुका था, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, ये इसी तरह पूछेगा। साथ उसने ये कहा था, मैथमेटिकली आपने प्रूफ करना है पी इज़ इक्वल टू 1/3, ये इसी तरह उसने दे दिया था, ये प्रूफ करें, मुकम्मल नहीं वैसे दिया, यहाँ तक कि दे दिया था, तो मैथमेटिकली आपने प्रूफ करना था। बहुत ज़्यादा लेंथी होने की वजह से वैसे ये पेपर में इतना नहीं आता, लेकिन ये एक दफ़ा आ चुका है, कोई करना चाहते काट दे इस चैप्टर का। अच्छा, ये न्यूमेरिकल लाजमी करें, 11.2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी पेपर में आती है ना। अच्छा, एक ये लूँगा आपने लाजमी करना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, बहुत दफ़ा ये पेपर में आ चुका है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का, सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर, 100% चांस है कि यहाँ से अगर लोंग आए, एक ये आता है, ठीक है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, दो, तीसरे नंबर पे है कॉर्नट इंजन, ठीक है, ये मुकम्मल इसी तरह देगा, इस पे आपने नोट लिखना। ये तीन इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, अगर आए तो इनमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, तीन ये हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल ये है, 11.4, तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए हैं। वैसे ये भी बहुत दफ़ा पेपर में मैंने देखा है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन पे नोट, ठीक है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन पे नोट, तो ये भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन फिर मैं दोबारा कहूँगा कि इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चले ये भी ऐड कर लेंगे, वो बहुत दफ़ा आ चुका है, एक ये है, एक कॉर्नट इंजन, यही, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, और चौथे नंबर पे आ रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। लेकिन पीछे भी एक बताया, मैथमेटिकली एक पेपर में आता है, वो बहुत ज़्यादा लेंथी होने की वजह से अब कम आ रहा है। अच्छा भाई, ये एग्जांपल बताइए, 11.5, अगर नहीं बताई तो ये निशान लगा। अच्छा भाई, एक्सरसाइज में चले जाएं, तो पहला न्यूमेरिकल है, उसके बाद 11.8 और 11.11, लास्ट वाला, ठीक है, तो ये मैंने मुकम्मल आपको बता दिए हैं कौन कौन से क्वेश्चन थ्योरी में आ सकते हैं और कौन से न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं, इनकी तैयारी आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के मैं अलग से नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो ही वो तैयार होते हैं हर चैप्टर के आपको बताता जाऊँगा, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर के अंदर में से आ सकते हैं। उसके बाद बोर्ड्स में जो एमसीक्यूज आए हैं, 5 से 8 साल के जो बोर्ड्स के पेपर हैं, उनका आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द एमसीक्यूज का भी सोल्यूशन देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।